साल 1994 में आई फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा का घरेलू और संस्कारी किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री रेणुका शहाणे को फिल्म में काफी पसंद किया गया था। मगर सिर्फ ये फिल्म नहीं बल्कि इनकी अब तक की सभी फिल्में काफी हिट रही हैं, जिनमें इन्हें भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है। तभी तो दर्शक इनकी फिल्मों को देखना काफी पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि भले ही दर्शक इनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हो, मगर इनके खुद के बड़े बेटे चौर्यमन राणा को इनकी चार फिल्में देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि वो तो इनकी चार फिल्मों से बेहद नफरत करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन सी है रेणुका शहाणे की वो चार फिल्में जो इनके बेटे शौर्यमन देखना नहीं चाहते। नंबर एक पर है मनी मनी। साल 1994 में आई रेणुका शहाणे की तेलुगु फिल्म मनी मनी साउथ फिल्म इंडस्ट्री में तो सभी को काफी पसंद आई थी, मगर ये फिल्म इनके बेटे शौर्यमन राणा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें इस फिल्म की स्टोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते वो इस फिल्म को कभी नहीं देखना चाहते हैं। नंबर दो पर है थ्री स्टोरीज। साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म थ्री स्टोरीज एक ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी तीन अलग अलग लोगों पर आधारित थी जो उनके जीवन की कहानी बयां कर रही थी, मगर ये भी शौर्यमन राणा को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें इस फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगी और वो इस फिल्म को खुद से रिलेट नहीं कर पाए, जिसके चलते शौर्यमन इस फिल्म को अभी तक देखना नहीं चाहते हैं। नंबर तीन पर है त्रिभंगा। साल 2021 में रिलीज हुई रेणुका शहाणे की फिल्म त्रिभंगा मूवी में रेणुका भले ही नजर ना आई हो, मगर आपको बता दें कि इस फिल्म को रेणुका शहाणे ने ही लिखा था और डायरेक्ट भी इन्होंने किया था, मगर इसके बावजूद भी इनके बेटे शौर्यमन को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि इस फिल्म में उनकी मम्मी ना एक्टिंग करे, मगर रेणुका शहाणे ने ऐसा नहीं किया, तभी तो शौर्यमन इस फिल्म को देखना पसंद नहीं करते। नंबर चार पर है बकेट लिस्ट। साल 2018 में रिलीज हुई रेणुका शहाणे की फिल्म बकेट लिस्ट से रेणुका को इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी और एक फ्लॉप मूवी बनकर रह गई थी। तभी तो ये फिल्म किसी को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यही वजह है कि इनके बेटे शौर्यमन को भी ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको रेणुका शहाणे की इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म पसंद नहीं है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।